नमस्कार, फरीदाबाद सैनिक कॉलोनी में देख सकते हैं लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। काफी बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंचने देख सकते हैं। और हमारे साथ उस टीम है। हाँ जी राजू जी, मतदान कर दिया? नमस्कार सर, बस अभी मतदान के लिए जा रहे हैं। कूलर वाला बराबर कोट दिलवा दो। ये मतदान के लिए जा रहे हैं। सभी त्योहार हर साल आते हैं, लेकिन उम्मीदों का जो त्योहार है वो 5 साल बाद आता है, और हमारी जो डेवलपमेंट है वो इसी उम्मीदों के त्योहार पे ही निर्भर है। सभी से प्रार्थना है, मतदान करें और अपनी भूमिका आने वाले 5 साल के लिए विकास के लिए निभाएं। मतदान करें, जरूर मतदान करें और अपने विकास को सुनिश्चित करें। धन्यवाद जो। हाँ जी बिल्कुल कर दिया जी। आज का दिन बड़ा मंगल है और आज पहले पहले मतदान फिर जलपान, हमारी ये रिक्वेस्ट है। हाथ जोड़ के ना अभी कुछ पहले मत, अब करेंगे। मुद्दे जहाँ पे ये चीज लैग कर रहे हैं, इन्होंने उस मुद्दे को पकड़ा है और उस मुद्दे को ये डेवलप करेंगे, ये इनका प्रण है। ये जो जिनके बारे में आप बात कर रहे हो, विजय बाबू, विजय बाबू जो है ये इसको डेवलप करेंगे। इन्होंने जो मुद्दे इनके लैग कर रहे थे उसको इन्होंने उठाया और इस मुद्दों पे बड़ी तीव्रता से काम होगा और हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में फरीदाबाद एक स्वर्ग बनेगा। पार्षद साहब है हमारे साथ, राकेश भड़ाना जी। राजू भैया मतदान अभी करेंगे, हमने वोट भरी हुई है अभी। राइफल भरी हुई है, खाली नहीं करी? खाली नहीं है, लेकिन मतदान बहुत जिस उत्साह के साथ लोग मतदान कर रहे हैं, मैं समझता हूँ परिवर्तन की लहर चल रही है। परिवर्तन की लहर है, जो उत्साह दिखाई दे रहा है परिवर्तन के लिए करें। बिल्कुल परिवर्तन के लिए, इस बार लोगों में जो उत्साह है वो परिवर्तन के लिए। और आप 8 तारीख को इसको देख भी लेंगे, रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट बताएगा आपको, व्यवस्था परिवर्तन होगी। हाँ जी, क्या कहेंगे सर? व्यवस्था परिवर्तन, हाथ बदलेगा हालात। विजय भाई जिंदाबाद। तो फरीदाबाद व्यवस्था परिवर्तन को लेकर इस बार जो हाथ बदलेगा हालात और काफी बड़ी संख्या में लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं सैनिक कॉलोनी, और लोगों में एक उत्साह एक उमंग नजर आ रही है। इस बार बदलाव की ओर लोग देख रहे हैं। तो जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर के अन्य खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।